असलम जी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप सो अब सब अब तक जो मैंने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे और स्पेशली जैसे कि अभी एफ आई ए का एग्ज़ाम मोस्टली स्टूडेंट ने अप्लाई कर लिया है कुछ करने वाले हैं और ट्वेंटियथ मार्च जो है वो लास्ट डेट है तो अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो उसमें कर ले उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा पी एम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पी एम पी एफ पी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके हवाले से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट इससे पहले मैंने ट्वेंटी एट वीडियोज़ जी के पे ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन वीडियोज़ बनाई हैं जो स्पेशली जी के पे बेस करती हैं ठीक है ठीके? जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वन पेपर के उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो इन वीडियोज़ को आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें वीकली आपके दो टेस्ट हुआ करेंगे और हर ट्वेस्ट दोनों टेस्ट में यानी पर टेस्ट ट्वेंटी फाइव एम हुआ करेंगे और साथ में आपको उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा चलिए जी स्टार्ट करते हैं जैसे कि ये जो लेक्चर है आज का ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज इसका पार्ट वन हो चुका है उस पर कल एक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बल्कि मैं ऊपर आई बटन पे वो लिंक शेयर कर देती हूँ इस लेक्चर के पार्ट वन का और आज हम पार्ट देखेंगे ठीक है तो ये जो ओल्ड नेम और न्यू नेम है cities के ये तो हमने कल कवर कर लिए थे आज हम पार्ट टू देखेंगे तो आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है अच्छा जी सिटीज और कंट्रीज के आ, नेम बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दू अफ्रीका का ठीक है अफ्रीका के कैपिटल्स के बारे में जैसे कि अभी अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में तो उससे पहले मैं आपको अफ्रीका के कैपिटल्स के बारे में बता दूं जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं अच्छा जी अफ्रीका के तीन कैपिटल हैं केप टाउन ये देख लें ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्काई ब्लू कलर में केप टाउन है प्रिटोरिया है है ठीक है ये तीन कैपिटल है अफ्रीका के अब ये तीन कैपिटल जो है इनको आप देख लें जो केप केप टाउन है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ब्रम फॉन्टेन जो है ये जुडिशियल कैपिटल है तो ये बास दफा पेपर में भी आ जाता है कि अफ्रीका का कैपिटल कौन सा है मतलब तीन ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक ऑप्शन दे दिया जाए दिया जाता है ऑल ऑफ दी अबव तो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव ठीक है यानी ये तीनों जो है अफ्रीका के कैपिटल हैं ये आप फिंगर टिप्स पे कर लें ठीक है चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी ट्राइपोली ट्राइपोली जो है ये ओल्ड नेम है लिबिया का और अब जो लिबिया का कैपिटल है वो ट्राइपोली ही है ठीक है और लिबिया जो है ये नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है अभी हम बात कर रहे थे अफ्रीका की तो ये अफ्रीका के कैपिटल्स का मैंने आपको बता दिया कि तीन कैपिटल्स हैं फिर हम बात करते हैं लाहौर की लाहौर का पुराना नाम महमूदपुरा है जैसे कि महमूदपुरा पे लिखना था मैंने सॉरी इसको महमूद पुर भी आप कह सकते हैं और जैसे कि हमने कल के लेक्चर में फैसलाबाद का जो है पुराना नाम देखा था लालपुर इस तरह लाहौर का भी पुराना नाम है महमूदपुर ठीक है तो ये महमूदपुरा क्यों फेमस है क्योंकि महमूद गज़नी ने इसे फतेह किया था ठीक है फतेह किया था थर्ड वन है जी मद्रास मद्रास का जो है ये ओल्ड नेम है चेन्नई सिटी है इंडिया की और इंडिया का कैपिटल आपको पता है दिल्ली ठीक है न्यू दिल्ली, फिर है जी, one, Edo. Edo है जी फोर्थ वन जो ओल्ड नेम है टोक्यो का ठीक है और टोक्यो जो कैपिटल है वो है जापान का फिर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की थेप, ये है बैंकॉक का ओल्ड नेम ठीक है फिर हम बात करते हैं Uh, और बैंकॉक जो है ये थाईलैंड का कैपिटल है ठीक है फिर हम सिक्स पॉइंट की बात करते हैं लीन गार्ड की तो लिनन गार्ड जो है ये ओल्ड नेम है एस टी पीटरबर्ग का और एस टी पीटरबर्ग जो है ये रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है फिर हम बात करते हैं मोंटोगैमरी गैमरी मोंटोगी ठीक है Montogambi, Gamri, Montogambi, तो ये साहिवाल का ओल्ड नेम है अगर आपने इंडस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी है बैक पे पाकिस्तान स्टडीज uh, आपने पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपने ये नाम पढ़ा होगा साहिवाल का ओल्ड नेम मोन्टोगैमरी है सॉरी मोन्ट गोमरी ठीक है फिर है जी पीकिंग पीकिंग ओल्ड नेम है बीजिंग का फिर है जी सैलिस नेम है हरारे का ठीक है और हरारे के बारे में हमने कल भी पढ़ा था ठीक है हरारे जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है हरारे है ठीक है तो हरारे का भी ओल्ड नेम हम देख रहे हैं हरारे का ओल्ड नेम था सेलिसपुरे और ये नॉर्थ अफ्रीका में है फिर हम बात करते हैं जी तेमसिक ये सिंगापुर का ओल्ड नेम है और सिंगापुर जो है इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर जो है साउथ ईस्ट एशिया में लाइक करता है अलेवेंथ वन है जी स्टेलन स्टेलनाबाद ये दुशंबे दुशांबे भी इसको बोलते हैं ये ओल्ड नेम है अः दुशांबे का और दुशांबे जो है कैपिटल है ताजस्तान का ठीक है अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ पॉइंट की यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ये ओल्ड नेम है इजिप्ट का इजिप्ट जो है वो लाइक करता है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में और इजिप्ट का कैपिटल आपको पता होना चाहिए कायर पेपर में आ चुका है फिर है जी जबले तारिक जिब्रे जबले तारिक जो है ये जिब्राल्टर का ओल्ड नेम है और जिब्राल्टर एक टेरिटरी है जो कि ब्रिटिश के अंडर है ठीक है और अभी मैं फर्दर आपको मैप में भी दिखा देती हूँ एक स्टेट जिब्राल्टर स्टेट है ठीक है ये देखिए स्टेट ऑफ जुब्राल्टर तो ये भी मैं अभी आपको इसके बारे में बता देती हूँ अच्छा जी फिर है जी तमिलनाडु ये मद्रास स्टेट का ओल्ड नेम है फिर है जी गाना गाना का ओल्ड नेम गोल्ड कोस था ठीक है और घाना जो है ये वेस्ट अफ्रीका में लाइक करता है और घाना का कैपिटल है आगरा फिर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की अफगानिस्तान जैसे कि आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क है इसके साथ हमारी जो बाउंड्री है वो ट्वेंटी सिक्स एलेवन किलोमीटर है और ये इसका कैपिटल है काबुल ठीक है और अफगानिस्तान का पुराना नाम था इरियाना और इवन मजे की बात कि अफगानिस्तान की जो एयरलाइन है एयरलाइन जो है उसको भी इरियाना बोलते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये देखें ये अटलांटिक ओशन को आ, लिंक करती है मेडिटेरियन सी से ठीक है तो ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है पेपर में स्ट्रेट का भी जो ये स्टेट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में तो उनके बारे में भी इन मैं वीडियो बनाऊंगी अभी जस्ट ये जिक्र हुआ था जिब्राल्टर का तो इसलिए फिर मैंने ये मैप जो है यहाँ पे एड कर दिया आप लोग के नॉलेज के लिए और एग्जैक्ट ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अच्छा ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अफ्रीका और यूरोप के दरमियान है ठीक है अगर हम बात करें ईस्ट यहाँ पे एशिया है ठीक है यहाँ ऊपर रशिया है और रशिया जो है साथ यूरोप यूरोप है ठीक है और रशिया जो है यूरोप में भी आधा थोड़ा लाइक करता है और एशिया में भी लाइक करता है यूरेशियन रशिया को हम यूरेशियन कंट्री भी बोलते हैं ठीक है थीके? और यूरोप के नीचे जो है वो अफ्रीका है यहाँ पे साउथ अमेरिका है फिर ऊपर नॉर्थ अमेरिका है तो अगर आपको वर्ल्ड मैप आता है थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो जाहिर एक्जेक्टली आपको यहाँ पे देख के तो आपको उसका आइडिया हो गया होगा ठीक है तो अगेन देख लें स्टेट ऑफ जो जुर, जुब्राल्टर जुरा, जो है ये कनेक्ट करती है ओशन टू मेडिटेरियन सी तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगेन से ये अफ्रीका के कैपिटल्स को याद कर लीजिएगा ठीक है और इसका पार्ट वन कल मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसके लिए भी आप प्ले में जाके इसको देख सकते हैं अगेन से रिमाइंड करवा दूं कि मैंने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें वीक में दो टेस्ट हुआ करेंगे विद क्रॉस क्वेश्चनिंग और डिटेल्ड सॉल्यूशन तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूं और वीडियो को लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज